महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरते ही फाइनली शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुश्किलें बहुत ही भयानक तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लेकर एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज जो है वो पब्लिक के सामने आ रही है। एक तरफ जहां पर बीजेपी ने किसी तरह से करके जो शिवसेना के बागी विधायक थे उनको आपस में मिलाकर महाराष्ट्र में सरकार तो बना ली, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे के सारे विधायक आज भी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ में वफादारी निभा रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी जो है एक बार फिर से बीजेपी में जो विधायक शामिल हुए हैं, मतलब कि शिवसेना के जो पार्टी के जो विधायक शामिल हुए हैं, उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी को ही चैलेंज कर दिया है कि वो जो है आज भी सरकार की चिंता नहीं करते, वो जो है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए पूरी की पूरी सरकार छोड़ सकते हैं। आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे पर बीजेपी नेता किरीट सोमया के तीखे हमले को लेकर एकनाथ शिंदे खेमे और बीजेपी के बीच में दरार आ गई है। शिंदे खेमे के प्रवक्ता दीपक केसकर और साथ में ही विधायक संजय गायकवाड़ ने सोमया पर तंज कसते हुए भाजपा से ठाकरे को निशाना न बनाने की चेतावनी देने को कहा है। गायकवाड़ ने कहा है कि उन्हें सरकार की परवाह नहीं, लेकिन ठाकरे के खिलाफ किसी भी व्यक्तिगत हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दूंगी ये सारे के सारे विधायक जो इस तरह का कमेंट कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर, ये उस इस टाइम बीजेपी के साथ में मिलकर सरकार बनाए हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने बीजेपी नेता किरीट सोमया के ऊपर ही जमकर हमला बोला और उनको सीधा सीधा चेतावनी दे दी कि अगर वो जो है उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे के खिलाफ में कोई टिप्पणी करते हैं तो उनको जो है सरकार की भी चिंता नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उद्धव ठाकरे के ऊपर कोई व्यक्तिगत तरीके से टिप्पणी करे। केसकर और गायकवाड़ सोमया के उस ट्वीट पर भड़क गए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि रिक्शा वाले के सीएम एकनाथ शिंदे से आज मंत्रालय में नील सोमया ने मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। माफिया सीएम को बदलने के लिए उन्हें जो है धन्यवाद। जैसे ही इनके द्वारा ये टिप्पणी की गई, शिंदे खेमे के प्रवक्ता केसकर ने कहा, हम सोमया द्वारा उद्धव ठाकरे के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्दों से सहमत नहीं है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य विधायकों से उद्धव ठाकरे की आलोचना या कोई बयान नहीं देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि हम उद्धव ठाकरे के खिलाफ सोमया की आलोचना के बारे में फडणवीस को बताएंगे। उम्मीद है कि फडणवीस जो है सोमया से कहें कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, जो हुआ वह हमें पसंद नहीं आया। दूसरी ओर सोमया के कटु आलोचक रहे गायकवाड़ ने चेतावनी दी है कि वो ठाकरे परिवार के खिलाफ आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, सोमया को ध्यान रखना चाहिए कि हम ठाकरे परिवार पर उनके हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सोमया ठाकरे परिवार के खिलाफ अपना बयान जारी रखते हैं तो हमें सत्ता की परवाह नहीं होगी। उन्होंने कहा, किरीट सोमया को यह नहीं सोचना चाहिए कि विधायक शिवसेना से अलग हो गए हैं या अलग गुट बना लिए हैं। हम शिवसेना थे और आज भी हम शिवसेना हैं। सोमया को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के प्रति अपनी वफादारी जो है छोड़ दी है और हम उन्हें कोसते हुए अलग हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पहले भी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ में थे और आज भी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ में हैं और उनके साथ में हमारी वफादारी लगातार जारी रहेगी। तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ में कोई भी टिप्पणी करेंगे तो हमें जो है सरकार की भी परवाह नहीं, हम सरकार भी छोड़ सकते हैं। सीधे सीधे ये टिप्पणी की गई है, वो भी बीजेपी नेता के खिलाफ में। सबसे बड़ी बात यहाँ पर, आखिरकार शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुश्किलें इन सब चीज़ों से क्यों बढ़ रही है? संजय राउत की मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि जहाँ पर शिवसेना के सांसद संजय राउत आज तक जो भी विधायकों के निशाने पर आ रहे हैं उसके पीछे का कहीं ना कहीं एक बड़े रीजन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे हैं। आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के ऊपर जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो सबसे पहले कोई टिप्पणी करता था या सबसे पहले कोई बचाने के लिए पहुँचता था तो वो थे संजय राउत, जिसकी वजह से संजय राउत सभी लोगों के ऊपर निशाने पर आ गए हैं। लेकिन आज जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिर चुकी है और आज जो है जब सारे विधायक जो शिवसेना के साथ में ही थे वो भी सीधे संजय राउत के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं और साथ में ही जो बीजेपी के नेता हैं वो भी उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं और उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं और उनके खिलाफ में कार्रवाई भी की जा रही, लेकिन संजय राउत के ऊपर को लेकर कोई भी सपोर्ट करने नहीं आ रहा है। और इधर जो है लगातार वही जब बात की जाए जो बागी विधायक हैं वो लगातार उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे जो संजय राउत हैं इनके मुश्किलें और भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं इसके पीछे का एक मेन जिम्मेदार आप कह सकते हैं तो वो हैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।